अप्रैल के हर एक इवेंट में आप लोग अपना जोश दिखाएं, आप तालियां बजा के हमारी परेड का जोश बढ़ा सकते, जोरदार से बढ़ाएं। आपका जोश हमारी परेड के लिए चार चांद लगाने का काम करेगा। तो मैं आप सभी से यह उम्मीद करूंगा कि हमारे परेड में जो भी इवेंट हो, प्लीज उसको एक हर्ष और उल्लास के साथ जोश से भरे। बच्चों को कंट्रोल रखें, बच्चे राष्ट्र का भविष्य हो सकता है लेकिन हमारा वर्तमान चौपट ना करे। इसलिए परेड प्रांगण के अंदर इधर से उधर आवाजाही बंद रखें और होने वाली परेड का लुत्फ उठाएं। प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सभी शौर्यों का प्रशिक्षण सीमा सुरक्षा बल द्वारा नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग टेकनपुर ग्वालियर में करवाया जाता है। हैंडलर के इशारे पर डॉग स्वीपी द्वारा कार्यवाही। हम दिल्ली से आए। और अब आप देखेंगे कि बीएसएफ का शॉन किस प्रकार हैंडल के इशारे पर भारत माता की जय पुकारेगा। आप देख सकते हैं कि अपने हैंडल की कमान पर इशारे में किस प्रकार डॉग अनुशासित तरीके से उसके हर आदेश का पालन कर रहा है। यह कठिन और गहन प्रशिक्षण के बाद ही संभव है। एक बार फिर जोरदार तालियों द्वारा शानदार से की मार्चिंग का प्रदर्शन, जोरदार तालियों द्वारा क्यों होता है।
इन्हें जोश और जज्बे को सलाम करते हुए मैं कहना चाहूंगी, जिन्हें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिन्हें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। पायलट प्राणा का अपना स्थान ग्रहण करते हुए पुनः ज्योदाता युद्धाय की होता जल्द प्रस्तुत होने जा रहा असिस्टेंट कमांडर 165 बता दिया जो डाटा युद्ध की मदद करेंगे। इनके जोश और जज्बे को सलाम करते हुए मैं कहना चाहूंगी, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं ऐसे तो फिर दुश्मन की ग्रहण करने के पश्चात अब आपके समक्ष आते थे परेड ट्वाइसी सब इंस्पेक्टर अनामिका सिंह। हौसला न
नामुमकिन को मुमकिन बनाने का और संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। आज इसी संकल्प के साथ परेड दस्ता इस प्रांगण में अपना स्थान लेने के लिए आगे बढ़ता हुआ एक बार फिर जोरदार तालियों द्वारा क्यों हौसला चलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं परेड का मुख्य दस्ता इस प्रांगण में अपना स्थान ले चुका है। आप सभी पुनः अपना ध्यान परेड प्रांगण के मध्य ले जाएं। राष्ट्रीय ध्वज उतारने की प्रक्रिया में सबसे पहले आपके समक्ष आते हुए आरक्षक मनोहर लाल। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने उस तिरंगे को आंखों में बसाए रखना। एक बार फिर जोरदार तालियों द्वारा प्रदर्शन की सराहना करें। एक और महत्वपूर्ण ध्वज रक्षक टोल, आप सभी से निवेदन है कि आप अपना ध्यान मुख्य द्वार की ओर ले जाएं। जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है कुछ
उतारने की प्रक्रिया में। अब आपके समक्ष आते हुए आरक्षक रोहन दत्ता। Oh,
खरीद किया।